नमस्कार, इंडियन नॉलेजेबल में आपका स्वागत है। आरआरसी ग्रुप डी ने अनाउंसमेंट किया है एडमिट कार्ड को लेकर के। बोर्ड अगस्त के पहले सप्ताह में आरआरसी ग्रुप डी फर्स्ट फेस एग्जाम शेड्यूल जारी कर सकता है। एग्जाम के लिए सिटी इंटीमेशन और फ्री ट्रैवल पास भी जारी किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा के एडमिट कार्ड एग्जाम से 4 दिन आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जारी कर दिए जाएंगे। आरआरसी ग्रुप डी फेस 1 एडमिट कार्ड 2021 की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, रेलवे में ग्रुप डी पदों पर भर्ती के लिए पहले चरण की फेज 1 ऑनलाइन परीक्षाएं जल्द शुरू होने वाली है। आरआरबी एनटीपीसी 7th फेस एग्जाम 31 जुलाई को ख़त्म होने वाले हैं, जिसके बाद आरआरसी ग्रुप डी फर्स्ट फेस एग्जाम शुरू होंगे। रेलवे ने दिसंबर 2020 में जानकारी दी थी कि आरआरबी एनटीपीसी परीक्षाओं के बाद ग्रुप डी एग्जाम शुरू होंगे। कोरोना के खतरे के चलते हुए एग्जाम में देरी हो रही है, मगर अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम फिर शुरू हो जाएंगे। रेलवे बोर्ड अगस्त के पहले सप्ताह में आरआरसी ग्रुप डी फर्स्ट फेस एग्जाम शेड्यूल जारी कर सकता है। एग्जाम के लिए सिटी इंटीमेशन और फ्री ट्रैवल पास भी जारी किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा के एडमिट कार्ड एग्जाम से 4 दिन आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जारी कर दिए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों का एग्जाम पहले फेज में होगा, उन्हें उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर इसकी जानकारी दे दी जाएगी। रेलवे ग्रुप डी के लिए भी आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 1 करोड़ से अधिक है, इसलिए बोर्ड कई फेज में ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आयोजित करेगा। पहले फेज के एग्जाम की डेट्स और अन्य जानकारियां अगस्त के पहले सप्ताह में जारी की जा सकती है। जो उम्मीदवार CBT 1 में क्वालिफाई होंगे, उन्हें CBT 2 में शामिल होने का मौका मिलेगा। लगभग 35,000 रिक्त पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती की जानी है। अन्य सभी जानकारियाँ उम्मीदवार रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।